और राइट, तो अगर आपकी स्किन पर बहुत ज्यादा झुर्रियां आ चुकी हैं और अगर आपकी स्किन जो है पतली होती जा रही है, हर एक गुजरते साल के साथ आपको ये लगता है कि मेरी स्किन पर पतला बना रहा है और मेरी स्किन पर सैगिंग यानी कि रिंकल्स आ रहे हैं, तो इसके लिए हम बात करेंगे कोलेजन को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, वो भी नेचुरली। अब यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज करा है कोलेजन। तो कोलेजन एक ऐसा वाइटल प्रोटीन होता है जो कि आपके स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। ये आपकी इलास्टिसिटी को मेंटेन करके रखता है स्किन की। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब आप उम्र के इस दौर में आगे बढ़ते हैं और हर एक गुजरते साल के साथ ये जो कोलेजन है आपका कम होना शुरू हो जाता है। और जब कोलेजन ही कम होगा तो आपकी स्किन जो है वो पतली होगी, क्योंकि कोलेजन से आपका मोटापन भी आता है स्किन पर और साथ के साथ ही आपकी स्किन पर रिंकल्स भी दिखने शुरू होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कोलेजन से आपकी इलास्टिसिटी भी मेंटेन रहती है। जब कोलेजन ही नहीं हुआ तो इलास्टिसिटी कम होगी, जिसकी वजह से आपको रिंकल्स देखने को मिलते हैं। सो कोलेजन इतना ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन ये एक्चुअली में होता क्या है कोलेजन? व्हाट इज कोलेजन? लेट मी टेल यू व्हाट इज कोलेजन। कोलेजन एक ऐसा वाइटल प्रोटीन है जो कि तीन अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। सबसे पहला है ग्लाइसिन, दूसरा है हाइड्रोक्सी प्रोलाइन एंड तीसरा है प्रोलाइन। ये तीन अमीनो एसिड हैं जिनके साथ में मिलकर कोलेजन बनता है। और साथ के साथ ही कोलेजन आपके हर एक बॉडी पार्ट में यानी कि जहां पर भी आपको जोड़ नजर आ रहा है वहां पर आपको देखने को मिलता है। ये बेसिकली आप समझ सकते हैं कुशनिंग का काम करता है, साथ के साथ ही ये आपकी पूरी बॉडी को स्ट्रक्चर भी प्रदान करता है जिसकी वजह से आप खड़े हो पाते हैं। अगर ये ना हो तो आप खड़े भी ना हो पाए, क्योंकि ये हर एक जोड़ में मैंने आपको बताया मिलता है, तो उसी की वजह से आप कोई भी मूवमेंट बड़ी ही आसानी से कर पाते हैं। और यही ही वजह होती है जब आपके जोड़ों में दर्द होता है, क्योंकि कोलेजन कम हो जाता है इस वजह से आपको दर्द होता है। तो यहाँ पर हम इसको बढ़ा कैसे सकते हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, जो सबसे पहला पिलर आता है कोलेजन को बढ़ाने का वो है आपकी डाइट। अब डाइट में आपको मेजॉरिटी ऑफ द कोलेजन प्रोटीन से मिलता है। आप पूछेंगे क्यों? देखो, प्रोटीन जो होता है ना वो आपके कोलेजन को बनने में एक बेस प्रदान करता है। जो प्रोटीन होता है उसमें ये तीनों अमीनो एसिड जिसकी मदद से आपका कोलेजन बनता है, जो कि मैंने आपको बताया हाइड्रोक्सी प्रोलाइन प्रोलाइन एंड ग्लाइसिन, ये तीनों देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से कोलेजन इस पर बाय प्रोडक्ट निकलता है। एंड एज अ रिजल्ट आपको एक एनहांस स्किन, आपकी स्किन पर फाइन लाइंस का काम हो जाना, आपकी स्किन का मोटा होना, ये देखने को मिलता है। ना प्रोटीन आप कहाँ से ले सकते हैं? नंबर वन सोर्स ऑफ प्रोटीन इज ऑफ कोर्स चिकन। चिकन एक अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, आप यहाँ से ले सकते हैं। देन नंबर टू फिश। फिश ना सिर्फ प्रोटीन में रिच होती हैं बल्कि ओमेगा 3 में भी रिच होती हैं, जो कि आपकी स्किन पर बहुत ही अच्छा एक ग्लो मेंटेन करके रखती हैं। EPA एंड DHA से ये रिच होती हैं। नंबर 3 आप एग्स से ले सकते हैं प्रोटीन। एंड नंबर 4 किडनी बीन्स, छोले, सोयाबीन, पनीर, इन सभी चीज का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो प्रोटीन पर आपको सबसे ज्यादा अपना कॉन्सेंट्रेशन रखना है। कोलेजन को बनाने में दूसरा मेन इंग्रेडिएंट होता है विटामिन सी। विटामिन सी का बहुत बड़ा हाथ होता है कोलेजन को सिंथेसाइज करने में। कोलेजन अनस्टेबल होता है आपकी बॉडी में जब ये एंटर करता है। विटामिन सी आपके जितने भी अमीनो एसिड्स हैं जिससे कोलेजन बनता है उन्हें स्टेबल करने का काम करता है। क्या फायदा होगा ऐसे अमीनो एसिड्स का जो कि स्टेबल ही ना हो? आपको कोलेजन तो मिल जाएगा लेकिन वो स्टेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर आप एडिक्वेट अमाउंट में विटामिन सी लेते हैं तो एक तो सिंथेसिस में मदद कर रहा है कोलेजन की, और साथ के साथ ही जितने भी मैंने आपको तीन एसेंशियल अमीनो एसिड बताए उनको ये स्टेबल करता है। बात आती है कि यार विटामिन सी हमें कहाँ से मिलेगा? जितने भी सिट्रस फ्रूट्स या वेजिटेबल्स होते हैं ना उसमें आपको विटामिन सी अच्छी मात्रा में देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल आंवला, आंवला में आपको अच्छी मात्रा में विटामिन सी देखने को मिलता है। तो आप आंवला को कच्चा भी खा सकते हैं या फिर इसकी सब्जी बना के भी खा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है आपके बेरीज का। जितने भी स्ट्रॉबेरीज आती हैं, ब्लूबेरीज आती हैं, ये भी एक अच्छा सोर्स है आपके विटामिन सी का। तीसरा ऑप्शन आता है आपका गुआवा। गुआवा जिसे हम अमरूद कहते हैं उससे भी आप विटामिन सी ले सकते हैं। इसके अलावा आप बेल पेपर से भी अपने विटामिन सी, जिसमें आती हैं आपकी हरी और लाल बेल पेपर्स, वहां से भी अपने विटामिन सी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। अगला इंग्रेडिएंट है दोस्तों जिंक एंड कॉपर। ये दोनों ऐसे मिनरल्स हैं जिसकी मदद से कोलेजन आपको बनता हुआ आपकी बॉडी में नजर आता है। जिंक जो होता है वो सेल के रिग्रोथ में मदद करता है और साथ के साथ ही ये आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है और ये कोलेजन के सिंथेसिस को तेज कर देता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें कॉपर की, तो कॉपर क्या काम करता है? ये आपके इलास्टिन फाइबर्स जो आपकी स्किन में मौजूद होते हैं उसको कोलेजन जो बन चुका है आपकी बॉडी में उसे कनेक्ट करने का काम करता है। ये एक लिंकिंग ब्रिज का काम करता है। तो बात करें ये दोनों ही जिंक और कॉपर किस में पाए जाते हैं सबसे ज्यादा? चिकपीस, जैसे कि मैंने आपको बताया छोले। इसके साथ ही आप किडनी बीन्स का सहारा ले सकते हैं, पनीर का आप सहारा ले सकते हैं, जितने भी नट्स होते हैं इंक्लूडिंग कैश्यूज, आलमंड्स, वॉलनट्स, इनको आप कंसिडर कर सकते हैं खाना। एंड जितने भी ये डेयरी प्रोडक्ट होते हैं ना उनको भी अपनी डाइट में आप शामिल कर सकते हैं, उनसे भी आपको जिंक एंड कॉपर अच्छी मात्रा में देखने को मिलता है। अगला इंग्रेडिएंट है दोस्तों कोलेजन को बढ़ाने का बोन ब्रोथ, जिसे हम पाए
का सूप या खरोड़े भी बोलते हैं, इसमें अच्छी मात्रा में आपको कोलेजन देखने को मिलता है। इसके साथ ही अगर आपका कोई ऑपरेशन भी हुआ है तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करते हैं कि भाई खरोड़े का सूप पिलाओ ने। वो इसलिए सजेस्ट करते हैं क्योंकि जेलेटिन में भी रिच होता है, जिसकी मदद से आपका जो कोलेजन है वो इंक्रीज होता है। तो अगर आप पी सके, हालांकि गर्मियां चल रही हैं, लेकिन फिर भी कभी कभार अगर आप पी सके हफ्ते में एक बार, तो खरोड़े का सूप जरूर पीजिए। नाउ दोस्तों, ये तो बात हो गई हमारी पहले पिलर की, यानी कि आपके डाइट की। अब सही करते हैं आपका दूसरा पिलर, यानी कि आपका स्किन केयर। दूसरे पिलर में सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट आता है वो आता है विटामिन सी सीरम्स। आप विटामिन सी को इंटेक भी कर रहे हैं और बाहरी तरफ से भी अपने स्किन पर लगा रहे हैं, जिससे कि 2 गुना फायदा आपको देखने को मिलेगा आपके कोलेजन के प्रोडक्शन में। अगर आप बिगनर हैं तो आपको 5% से शुरुआत करनी है, अगर आप थोड़े से एडवांस हैं तो 10-15% तक आप जा सकते हैं। अब कब लगाना है हमें विटामिन सी सीरम? आप इसे सुबह के वक्त लगाएंगे विटामिन सी सीरम को। विटामिन सी सीरम में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है, और अगर आपका कोई भी दाग धब्बा भी है तो वो भी सही करके रख देता है। बस एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आपको विटामिन सी लगाना हो उसके ऊपर आएगी सनस्क्रीन। और मैंने आपको बताया विटामिन सी आपको सिर्फ दिन में लगाना है, क्योंकि रात के वक्त और भी सीरम्स आने वाले हैं आपको। तो अगला इंग्रेडिएंट आता है आपका रेटिनॉल। रेटिनॉल क्यों डाला है मैंने? रेटिनॉल इसलिए डाला है बिकॉज ये विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है और आपके स्किन सेल्स का जो टर्नओवर है उसे स्पीड अप कर देता है, जिसकी वजह से आपका जो कोलेजन है फटाफट से बढ़ता है और आपकी जो पतली हुई स्किन है उसमें मोटापन आपको देखने को मिलता है। साथ के साथ ही आपकी जो रिंकल्स हैं, फाइन लाइंस हैं, वो भी कम होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन सा रेटिनॉल यूज करूं, तो आप 0.2 से लेकर 2% तक का रेटिनॉल यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोनेस। यानी कि अगर आप बिगनर है तो 0.2% से आप शुरुआत करेंगे या करेंगी, और अप टू आप एडवांस अगर हैं तो 2% तक जा सकते हैं। यूज कैसे करना है? आपको जनरली इसे रात के वक्त इस्तेमाल करना होता है। जस्ट वॉश योर फेस, 2 बूंद इधर 2 बूंद इधर और 2 बूंद इधर, इस तरह से लगाना है एंड यू आर सॉर्टेड, यू आर गुड टू गो। अगला इंग्रेडिएंट आता है दोस्तों आपका हाइलुरोनिक एसिड। ये कैसा इंग्रेडिएंट है, या एसिड कह लीजिए, जो कि आपके मॉइस्चर को अपने अंदर रिटेन कर सकते हैं। उनमें 1000 गुना पानी को सोखने की क्षमता होती है, इतना पावरफुल है। तो आप इससे बेनिफिट क्या ले सकते हैं? आप इसका बेनिफिट रात के वक्त इस्तेमाल करके ले सकते हैं। आइडियली सबके लिए होता है, लेकिन जनरली अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो आपको अवॉइड करना है। यहाँ पर जैसे आप पूरे धोएंगे, आपको क्या काम करना है, सबसे पहले अपना हाइलुरोनिक एसिड लगाना है, इसके बाद आपको अपना रेटिनॉल लगाना है एंड यू आर गुड टू गो। आपको कुछ और लगाने की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, ये 2 एसिड और तीसरा वाला जो मैंने विटामिन सी बताया, अगर आप इस तरह से लगाएंगे जैसे मैंने बताया है, फॉलोड अप विद अ गुड सनस्क्रीन, यू विल बी सीइंग अ मच बेटर रिजल्ट। अब आ जाते हैं अपने तीसरे पिलर पे, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पिलर है, लाइफस्टाइल। तो यहाँ पर लाइफस्टाइल चेंज में आपको सबसे पहला चेंज क्या करना है, आपको सन प्रोटेक्शन लगाना है, यानी कि सनस्क्रीन लगानी है। कौन सी सनस्क्रीन लगा सकते हैं, डिपेंडिंग आपका वर्क टाइप क्या है। जैसे कि मैं यूट्यूब वीडियोस भी बनाता हूं और मेरे शूट्स भी होते हैं, तो मैं जनरली क्या काम करता हूँ, मैं फिजिकल सन ब्लॉकर लगाता हूँ। वो मेरे लिए और मेरी स्किन टाइप के लिए बहुत अच्छा है। न्यूट्रीजीना का एक फिजिकल ब्लॉकर आता है, मैं उसे डेली बेसिस से फिलहाल यूज कर रहा हूँ, आप भी यूज कर सकते हैं। इट्स वेरी गुड फॉर द आउटगोअर्स पर्सनैलिटी, मतलब अगर आप बाहर बहुत ज्यादा जाते हैं तो आप उसे यूज कर सकते हैं। वर्सेस अगर आप घर पे काम करते हैं तो आप एक केमिकल या मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन लगा सकते हैं। बस मेक श्योर करें कि जो आप सनस्क्रीन लगा रहे हैं उसमें SPF 30 हो कम से कम, और PA++ तो होना ही चाहिए, इंक्लूडिंग UVA एंड UVB रेजेस। एंड बहुत सारी महिलाएं मुझसे ये भी सवाल पूछती हैं कि हम तो घर में रहते हैं, हमें क्या जरूरत है सनस्क्रीन की? नहीं, आपको सनस्क्रीन की जरूरत है, बिकॉज द कैच इज, जो सनलाइट होती है ना, वो फिल्टर आउट होकर भी आपकी स्किन में पेनिट्रेट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ तो यहाँ पर भी सनलाइट आ सकती है पीछे से और मेरे चेहरे को डैमेज कर सकती है। इसी वजह से चाहे आप घर में हो चाहे आप बाहर हो, बस रूल बना लो, मुझे दिन के वक्त सनस्क्रीन लगानी है। दूसरी बड़ी ऑब्वियस चीज बताऊंगा, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो यार नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपको किसी चीज को पाना है तो किसी चीज को तो छोड़ना पड़ेगा। देयर इज अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इट्स अ ट्रेंड गेम। आपको कोई चीज को पाना है सो यू नीड टू गिव अप समथिंग। अगला लाइफस्टाइल चेंज आपका रहेगा स्ट्रेस के ऊपर। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो चाहे आप इनमें से सब चीज कर लीजिए, आपको कोई भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। मैं एक हैक बता देता हूँ आपको, स्ट्रेस किसी काम की वजह से नहीं होता। वो जो स्ट्रेस आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, उस काम को ना करने की वजह से आप महसूस करते हैं। तो गेट योर वर्क डन, ठीक है, एंड देन अगर आप जितना कम सोचेंगे ना, स्ट्रेस उतना कम रहे। यू कांट कंट्रोल ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, सो लेट इट बी। ओके, तो हम आ चुके हैं अपने फाइनल पार्ट पे, और इस पिलर का नाम है सप्लीमेंटेशन। ये काफी ज्यादा जरूरी इसलिए होता है क्योंकि कभी ना कभी कहीं हमसे डाइट मिस आउट हो जाती है, हमारा कभी कभी स्किन केयर
टॉप नॉच नहीं रहता, इस वजह से हम सप्लीमेंटेशन पे आते हैं। यहाँ पर आप कोलेजन सप्लीमेंटेशन या कोलेजन पेप्टाइड्स का सहारा ले सकते हैं। कोलेजन पेप्टाइड्स मैन मेड कोलेजन होता है जो कि सिंपली आपके बॉडी में जाता है और वहां से अपना एक्शन दिखाना शुरू करता है। इसमें आइडियली दो तीन फॉर्म्स आती है, जैसे कि बोविन कोलेजन हो गया, हाइड्रोलाइज कोलेजन हो गया। इसमें जनरली एनिमल्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि नॉनवेज कैटेगरी में आते हैं। तो जो लोग वेजिटेरियन है वो प्लांट बेस्ड कोलेजन बिल्डर ले सकते हैं, हालांकि उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो सकते वो, लेकिन फिर भी आप इस्तेमाल उन्हें कर सकते हैं। तो दैट्स पॉइंट नंबर वन। अगला आता है कि आप अगर विटामिन सी को इंटेक नहीं कर पा रहे हैं तो आप विटामिन सी का सप्लीमेंटेशन भी ऐड कर सकते हैं। मैं आइडियली सजेस्ट नहीं करता हूँ, ये उन लोग के लिए जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं, तो यहाँ पे आप सप्लीमेंटेशन भी ऐड कर सकते हैं। विटामिन सी का डोजेज क्या रहेगी, 500 टू 650 mg रहती है डोजेज ऑफ विटामिन सी। सो आप इसे डेली बेसिस पे ले सकते हैं। और कोलेजन को आपको कब लेना है, आप आइडियली सुबह ब्रेकफास्ट के 45 मिनट्स के बाद उसे ले सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा एक बार लें, देन ग्रेजुअली उसे दो बार कर दें, सुबह और शाम। सप्लीमेंटेशन में मैं आपको ज्यादा ऑप्शन नहीं दूंगा, क्योंकि हमारा ह्यूमन का नेचर होता है जितने ऑप्शन दो उतना ज्यादा कंफ्यूजन। बस दो ऑप्शन दे दिए मैंने आपको। अगर लगता है कि कोलेजन वहां से पूरा नहीं हो पा रहा डाइट से, तो आप यहां से पूरा कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा डाइट को सही करें। ऑलराइट, आई होप कि इस वीडियो से आपको अब क्लियर कट पता चल गया हो कि आपको अपने स्किन की जो थिनिंग हो रही है वो कैसे सही करनी है, और जो कोलेजन कम हो रहा है वो कैसे सही करना है। यहाँ पर एक सवाल उठना आपके मन में लाजमी ये है कि जैसे कि मैं सप्लीमेंटेशन राउट पे जाती हूँ या जाता हूँ, तो मैं कौन सा कोलेजन सप्लीमेंट लूँ। तो उसके लिए आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने कुछ अच्छे ब्रांड्स के बारे में डिस्कशन किया है कोलेजन के। जाइए देखिए, और मैं आपको मिलता हूँ इस वीडियो में। बाय गाइस।